हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मल्टी सुपर स्टेटस। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जिससे आप इमेज, फोटो या वीडियो या किसी को मूवी सेंड कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस ऐप का नाम है शेयर करो ऐप। ये देखो, इस तरह का लोगो बना, ये है शेयर करो ऐप। इसमें बहुत कुछ नया अपडेट हुआ है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस ऐप के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, प्ले स्टोर पे आपको इसको जाके डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो मैं इस ऐप का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। तो मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले करना क्या है, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है दोस्तों। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है इंडिया शेयर ऐप। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर रखा है, ये देखो ये मेरा ये टॉप पे है ऊपर, तो मैंने कर रखा है इंडिया शेयर ऐप का इसका नाम। तो मैंने इसे क्लिक करा, तो ये देखो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप भी डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं बताता हूँ आपको इसे यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों, ये ओपन हो चुका है, ये होम स्क्रीन है। तो सबसे पहले हमें करना है कि आपको यहाँ पे मी का आइकॉन दिख रहा होगा, तो आपको मी के आइकॉन पे आपको जाना है। जाने के बाद दोस्तों, आप जब भी इसे डाउनलोड करोगे तो इसमें अपना एक ईमेल आईडी जरूर बनाना है दोस्तों। यहाँ पे अपना क्रिएट लिख देना नाम, कि आपका नाम हो तो आपको फाइल ट्रांसफर करने में आसानी होगी। जब सर्च करेंगे तो आपका नाम शो करेगा, तो फाइल 2 मिनट में सर्च हो जाएगा। वैसे अगर आप नाम नहीं डालोगे तो जल्दी सर्च में नहीं आता दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे पहले तो आपका नाम यहाँ पे क्रिएट कर देना, तो मैं आपको यहाँ पे एक नाम क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मेरा नाम है दीपक, तो मैंने दीपक लिख दिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कैमरे का आइकॉन है, तो मैं यहाँ पे कैमरे पे जाके आपको एक फोटो ले लेता हूँ कोई अपना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फोटो ले लिया। फोटो लेने के बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद दोस्तों, ये मेरा ऐड हो चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा प्रोफाइल बन चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल बन चुका है। तो मैं आगे आपको बताता हूँ, आपको फिर आ जाना बैक आने पर, आपको आना है होम स्क्रीन पे। अगर आपको किसी को फाइल ट्रांसफर करना है तो आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जब सेंड ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे फाइल है ऊपर, ये वीडियो है, अगर वीडियो आपके फोन में तो वीडियो कर सकते हो, ऐप है तो ऐप सेंड कर सकते हो, या फोटो है, म्यूजिक है, आप किस तरह आप सेंड कर सकते हो। तो आप अगर फोटो करना है तो फोटो पे क्लिक कर लेना दोस्तों, म्यूजिक पे करना म्यूजिक पे क्लिक कर लेना, वीडियो पे करना वीडियो पे आप जाके क्लिक कर सकते हो। अगर फाइल ट्रांसफर करना है तो आप फाइल डायरेक्ट पूरा फोल्डर का फोल्डर सेंड कर सकते हो, एक साथ आप पूरा फोल्डर सेंड कर सकते हो दोस्तों। तो आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे रिसीव है, अगर आप किसी से मूवी या फोटो लेते हो तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे इनवाइट है, तो आप ये ऐप किसी को भी इनवाइट करके सेंड कर सकते हो, वो भी डाउनलोड कर लेगा दोस्तों। अगर आपको आप किसी फ्रेंड को करना चाहते हो तो आप यहाँ से ब्लूटूथ से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी ये कर सकते हो और फेसबुक से कर सकते हो। अगर आप किसी को ये सेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो उसको इस ऐप का लिंक, तो आप वो डाउनलोड कर लेगा दोस्तों। तो इस तरह है। उसके बाद मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप का आइकॉन दिख रहा होगा ऊपर सबसे, तो आपको व्हाट्सएप के आइकॉन पर करना है क्या, आपको व्हाट्सएप के आइकॉन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस शो करेगा, देखो नीचे आओगे ना तो यहाँ पे ये पॉपुलर स्टेटस शो कर रही है, देखो तो जितने भी पॉपुलर है स्टेटस आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगा सकती हो या किसी को सेंड कर सकती हो। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो जैसे मैंने एक ये स्टेटस ले लिया, तो ये स्टेटस ले लिया, उसके बाद आपको करना है क्या, आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, ये डाउनलोड हो जाएगा स्टेटस। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया स्टेटस, ये देखो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे व्हाट्सअप का आइकॉन बन जाता है, शेयर टू व्हाट्सअप। तो मैं यहाँ पे शेयर टू व्हाट्सअप पे जाता हूँ। उसके बाद माई स्टेटस पे, अगर मुझे स्टेटस लगाना है तो मैं स्टेटस लगा सकता हूँ, या किसी को सेंड करना है तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाके सेंड कर सकता हूँ, या किसी का नाम ऊपर सर्च करके मैं उसको सेंड कर सकता हूँ। तो मैं अभी स्टेटस पे लगा रहा हूँ, तो मैं अपने स्टेटस पे ये लगा रहा हूँ। तो ये देखो दोस्तों, इस तरह का है। तो ये मैंने प्ले करके दिखा दिया, तो ये है, तो मैं इसको अपने स्टेटस पे लगा रहा हूँ। तो ये मैंने अपने स्टेटस पे लगा दिया। तो आप इस तरह अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो लगा सकते हैं। तो बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों, अगर आप स्टेटस डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे डाउनलोडर में आपको शो करेगा, ये देखो यहाँ पे डाउनलोडर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने जो वीडियो डाउनलोड करा है आपको यहाँ पे शो करेगा। ये देखो मैंने 2 वीडियो डाउनलोड करा है, यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। आप इसे दोबारा सेंड कर सकते हो किसी को प्ले करके, अगर आपको भेजना है तो आप प्ले करके देख भी सकते हो और सेंड भी कर सकते हो किसी को। तो उसके बाद आपको आता है यहाँ पे फाइल।
फाइल पे आपको क्लिक करना है तो आप यहाँ से फाइल भी सेंड कर सकते हो। आप यहाँ से अपने फाइल को देख सकते हो, यहाँ पे ऐप है तो अपने ऐप देख सकते हो। जो अगर आपको डाउनलोड करना है ऐप तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप फाइल में जाके अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, जो भी आपको अपडेट करना है आप यहाँ से अपने कर सकते हो। तो आ जाते हैं बैक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको उसके बाद स्टेटस लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कई सारे आइकॉन बने हुए इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, ऐप भी, वॉच वीडियो और यहाँ पे ट्विटर का। तो आपको करना क्या, अगर इंस्टाग्राम से लिंक करना है तो आप इंस्टाग्राम से कर सकते हो, या फेसबुक का आपको यूज करना है तो आप फेसबुक की यूज कर सकते हो। अगर आपको फेसबुक की वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे लिखा हो दोस्तों यहाँ पे एफबी वॉच, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद जो फेसबुक पे वीडियो अपलोड हो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आप यहाँ से देख सकते हो फेसबुक की वीडियो। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे फेसबुक की वीडियो आपको शो कर रहा है, तो आप यहाँ से फेसबुक की वीडियो देख सकते हो। जो भी आपको फेसबुक पे वीडियो है अपलोड आप यहाँ से वॉच करके देख सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, अगर करना है आपको डाउनलोड। तो उसके बाद आ जाता है बैक। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।